के हमारे अध्यक्ष भाई करतार सिंह ठाकुर जी, वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता भाई जगदीश हांडा जी, जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्षा बहन अंजू कुमारी जी, एआईसीसी के तरफ से चंबा जिले में पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी संभाले हुए मेरे भाई शांतनु चौहान जी, जितेंद्र सूर्या जी, सुदर्शन ठाकुर जी, भूपेंद्र शर्मा जी, कपूर जी, यूथ कांग्रेस के तरफ से लगे पर्यवेक्षक गौरव बाविस्कर जी, सम्मानीय मंच, मेरे सामने बैठे सभी कांग्रेस परिवार और इस क्षेत्र के सभी जनता, भाइयों बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हमारे सबके बीच में पिछले 5 सालों से जो जनता की आवाज बनके विधानसभा में और हिमाचल में काम कर रहे हैं, वो हमारे विपक्ष के नेता भाई मुकेश अग्निहोत्री जी आज हमारे बीच में है। जब भी कोई सरकार सत्ता में आती है तो 5 साल के बाद जब चुनाव होता है तो चुनाव में अपने कामों का रिपोर्ट कार्ड देना बनता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जयराम ठाकुर जी की सरकार के पास कोई भी उपलब्धि नहीं। डबल इंजन की बात 2017 के चुनाव में इन्होंने और आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने की, लेकिन आज सवाल हमारे सामने यह है कि डबल इंजन से राज्य की जनता का विकास हुआ या मंत्रिमंडल में बैठे हुए कुछ खास मंत्रियों का विकास हुआ। आज पिछले 5 साल में महंगाई आकाश छू रही, बेरोजगारी से कोई भी परिवार छूटा नहीं, और भ्रष्टाचार का तो ये हाल है कि खुले हम पैसे मांगे जा रहे हैं। यही जयराम ठाकुर जी के सरकार की पहचान है। 2014 के लोकसभा चुनाव में और 2019 के लोकसभा के चुनाव में सम्मानीय मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद उन्हीं के नेताओं ने, फिर अमित शाह जी हो, नड्डा जी हो, उन्होंने कहा वो तो चुनावी जुमले थे। आज 2 दिन पहले हमने देखा 30 हेलीकॉप्टर पूरे हिमाचल के कोने कोने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लेके घूमे। पिछले 5 साल ये नेता कहां थे, क्या विकास का दृष्टिकोण इनका रहा? डबल इंजन की बात की, कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट, कौन सी बड़ी इंडस्ट्री हिमाचल में लेके आए? मैं महाराष्ट्र से आता हूं, 3 बार विधायक रह चुका हूं। आपने पढ़ा पिछले दिनों में महाराष्ट्र में लगने वाली एक बड़ी इंडस्ट्री फॉक्सकॉन को गुजरात लेके गया है। उसके बाद में टाटा एयरबस कंपनी जो महाराष्ट्र के नागपुर में लगने वाली थी उसको भी गुजरात लेके गया। पिछले 5 सालों में हम पढ़ रहे हैं कई कंपनियां गुजरात लेके जाई जा रही है, कई कर्नाटका लेके जा रही है। बताए जयराम ठाकुर जी, एक भी बड़ी कंपनी हिमाचल आई हो तो
और जब चुनाव होते हैं तो चुनावी घोषणा कर ले। लेकिन मुझे विश्वास है कि हिमाचल की जनता बहुत ही समझदार है। एक बार, दो बार, तीन बार आप लोगों की दिशा भूल करेंगे, लेकिन बार बार आप लोगों को बना नहीं सकते। इसलिए भाइयों बहनों, आज भाई नीरज नैयर जी के रूप में एक ऐसा ईमानदार नेता कांग्रेस पार्टी ने आपको दिया है कि जिसकी मिसाल है पिछली बार चुनाव हारने के बाद भी लगातार 5 साल जनता की सेवा की। यहां उदाहरण, यहां राज्य में उदाहरण वो है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता चुन के आने के बाद 5 साल जनता की तरफ देखते नहीं। और एक उदाहरण ये है भाई नीरज नैयर, जिन्होंने लगातार यहां पे काम किया। और आज भाई मुकेश अग्निहोत्री जी आए हैं आपको ये विश्वास दिलाने के लिए कि आप नीरज नैयर जी के रूप में सिर्फ विधायक नहीं चुन रहे, इनको चुन के दीजिए पार्टी लीडरशिप जरूर इनको बड़ी जिम्मेदारी देगी। कांग्रेस पार्टी ने पिछले 5 सालों में जनता की लड़ाई लड़ी। मैं समझता हूं हिमाचल में ये चुनाव कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी है और उस जनता का प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी कर रही है। इसलिए आज आप जो बड़ी संख्या में आए और जो उत्साह, जो तेज मुझे आपके चेहरों पे दिख रहा है, मैं ये विश्वास से यहां से जाऊंगा कि यहां जीत का सवाल नहीं है, यहां तो सवाल है कि कितने बड़े मार्जिन से हम चंबा की सीट जीतते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 12 दिसंबर को जब वोटों की गिनती होगी और जब कांग्रेस पार्टी की विजय यात्रा निकलेगी तो दोबारा मुकेश भाई के साथ मैं आऊंगा और आपके विजय यात्रा में शामिल होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।